आज हम देखने वाले हैं गुजराती की थर्ड पोयम, जिसका नाम है ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, जिसके कवि है जिनका नाम है खबरदार। अब खबरदार जो है वो उनका पेन नेम है, रियल नेम उनका है अरदेसर फरामजी खबरदार। अब खबरदार जो कवि है वो एक पारसी कवि है। पारसी कवि होने के बावजूद भी उन्हें गुजराती लोग बहुत पसंद थे और गुजराती में कविताएं लिखनी भी बहुत पसंद थी। साथ साथ में खबरदार जो है वो दमन के निवासी थे, दमन में रहते थे। और ये काव्य का जो प्रकार है वो है उर्मी गीत। तो हम इस काव्य को देखते हैं। ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, त्यां त्यां सदाकाल गुजरात। अब इस पोयम में जो है गुजरात और गुजराती की बात करी गई है और उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इम्पोर्टेंस जैसे कि खबरदार जो है, जैसे मैंने कहा कि उन्हें गुजराती लोग बहुत पसंद थे और गुजराती लैंग्वेज भी, इसलिए उन्होंने ये जो कविता है वो भी वैसे ही लिखी है। अब जैसे कि हमने पढ़ा, ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, त्यां त्यां सदाकाल गुजरात। अब देश में कहीं पे भी, दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक गुजराती बसा हुआ हो ना, अब वो एक गुजराती भी जो है पूरा एक गुजरात लेके बस रहा है उसी समान है। एक गुजराती एक पूरे गुजरात को लेके बस रहा हो उसी के समान है एक गुजराती। ज्या ज्या बोलाती गुजराती, त्या त्या गुर्जरीनी मोहलात। अब जहां जहां गुजराती बोली भी जाती है ना, वैसे लगता है जैसे गुजरातियों का एक, गुर्जरों का एक महल हो। वैसा लगता है कि भाई गुजराती सब बोल रहे हैं, एक महल की तरह महसूस होता है जहां गुजराती बोली जाती हो सिर्फ। अब आगे देखते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व के पश्चिम, जहां गुर्जर ना वास। अब चारों दिशाएं, चारों दिशाओं का वर्ण दिया है कि भाई उत्तर भी है, दक्षिण भी है, पूर्व के पश्चिम, जहां भी गुजरातियों का वास होगा, ठीक है, वो कैसा होगा कि भाई सूर्य तरह किरणों दौड़े, त्या सूर्य तणोज प्रकाश। अब जैसे सूर्य है, अब सूर्य का प्रकाश कैसा है, हर जगह एक समान ही होता है ना, है ना। सूर्य अपना प्रकाश सभी जगह एक समान ही देता है और सूर्य जो है अपनी जगह पे ही रहता है। वैसे ही गुजरातियों को जो है सूर्य से कंपेयर करते हुए बोला गया है कि जहां जहां गुजराती जो है वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, अपनी गुजराती जो जात है उसको छोड़ते नहीं है, गुजराती जो भाषा है उसको छोड़ते नहीं है, और अपना प्रकाश जो है जैसे सूर्य अपना प्रकाश सारी जगह एक समान फैलाता है, वैसे गुजराती जो है अपना अपना जो प्रकाश है वो एक जगह पे हर जगह समान प्रकाश फैलाता है। और गुजरातियों को सूरत से कंपेयर किया कि भाई गुजराती भी जो है उतना ही प्रकाश फैलाते हैं, है ना, अपना गुजरातीपन जो है हर जगह दिखाते और अटल रहते हैं उसी को लेकर। जेनी उषा हसे हिलाती, तेना तेज प्रफुल्ल प्रभात। अब जिसकी सुबह, उषा यानी कि सुबह, सुबह सुबह का समय, जो सवार से ही सुबह के टाइम से ही जो है हंसते खेलते उठता हो, एकदम जोश से उठता हो, वो जो है गुजराती, तेज प्रफुल्ल प्रभात, उसकी सुबह जो है एकदम तेज से पड़ जाती है और एकदम अच्छी हो जाती है, वैसे होते हैं गुजराती, जो हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, हमेशा वैसा ही स्वभाव है उनका। और जब वो उठते भी है सुबह वैसे ही बिना कोई टेंशन के हंसते खेलते मौज से उठते हैं, और जिससे उनका दिन जो है एकदम अच्छा हो जाता है। प्रभात, सुबह का टाइम से ही जो है उनका दिन अच्छा हो जाता है, इसलिए कहते हैं जहां जहां वसे एक गुजराती, त्यां त्यां सदाकाल गुजरात। जहां जहां गुजराती बस रहे हैं वहां सदाकाल गुजरात ही बस रहा है, ऐसा ही समझो। गुर्जर वाणी, गुर्जर लहाणी, गुर्जर शाणी रीत। गुर्जर वाणी एटले के गुजराती जिस तरीके से बोलते हैं, उनका बोलने का तरीका। गुर्जर लहाणी, अब लहाणी मतलब कि जो देन लेन होता है ना, कोई प्रसंग में गिफ्ट देना लेना, है ना। हिंदी में अगर बोलूं तो अच्छे से रीति रिवाज जो होते हैं देने लेने के, वैसे गुर्जरों की जो लहाणी है, गुर्जर गुजरातियों की जो रीति रिवाज है वो भी एकदम अलग है, और उनकी शाणी, शाणी यानी कि वो एक अलग ही शान से जीते हैं। उनकी वाणी अलग है, उनकी शान एकदम गर्व से जीते हैं, और लहानी उनके रीति रिवाज भी एकदम अलग है। जंगल मापन मंगल,
करती गुर्जर उद्दम प्रीत। अब जंगल मां पण मंगल करती, इसका अर्थ ये है कि कोई भी मुसीबत आ जाए ना, उससे कभी पीछे नहीं हटते। ये लोग गुजराती जो होते हैं वो हमेशा अपनी मेहनत से जो है उसका सामना करते हैं मुसीबत का, और शुभ तरीके से जो है आगे बढ़ जाते हैं, और उस कार्य को भी एकदम शुभ बना देते हैं जो उन्हें मुसीबत दे रहा था, है ना। उद्यम रीत यानी कि जो मेहनत करे, वैसे ही हमारे गुजराती है जो मेहनत से मंगल कार्य करते हैं, मुसीबत को अपने पास आने नहीं देते। जेने ऊर गुजरात कुलाती तेने सूरवन तुल्य मिरात। ऊर गुजरात, अब जिसके हृदय में गुजरात बसा हुआ हो, जिसके दिल में गुजरात ही हो सिर्फ, अगर उसे सूरवन, सूरवन यानी कि जहाँ देव रहते हो, जहाँ भगवान रहते हो, एक वैसा वन, एक वैसा मतलब बोलते हैं नहीं, वैसी जगह जहाँ भगवान रहते हो, मानो स्वर्ग समान। अब उनको स्वर्ग भी दे देना तो भी वो नहीं लेंगे, वो चूज गुजरात को ही करते हैं। ऐसा गुजरातीज है, ऐसे गुजरातीज को बताया गया कि जिनके हृदय में गुजरात बसा हुआ हो ना, वो गुजरात को ही चूज करेंगे भले, क्योंकि उनके लिए जो है वो एक स्वर्ग के समान है, सूरवन के समान ही पूरा गुजरात जो है उनके लिए है ना। स्वर्ग से तुलना करिए भाई, सूरवन से तुलना करिए गुजरात को, और गुजराती इसको भी गुजरात जो है वैसा ही लगता है एक स्वर्ग के समान। ज्या ज्या वसे एक गुजराती, त्या त्या सदाकाल गुजरात। ज्या ज्या वसे एक गुजराती, जहां पे भी पूरे देश के किसी भी कोने में एक गुजराती बस जाए, बस वहां पे वो पूरा गुजरात ही बसा हुआ है उसी के समान। कृष्ण दयानंद दादा केरी पुण्य वीरल रस भोम। अब कृष्ण भगवान, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नवरोजी, ऐसे पुण्य वीर जो है जिन्होंने इतने पुण्य कार्य करे हैं, अब वैसे वीर जो है हमारी गुजरात की धरती में बसे हुए थे, है ना। उनका जो वास था गुजरात में ही था। खंड खंड गई, खंड खंड जई जूझे गर्वे, कौन जात ने कोम। अब खंड खंड जई जूझे गर्वे एटले के मतलब अलग अलग जगह पे, अलग अलग चाहे किसी भी देश के कोने में गुजराती चले जाए, वो जो है वहां पे मेहनत करते हैं, जूझे गर्वे, मेहनत करके गर्व से रहते हैं, और कौन जातने कोम, और जहां पे भी रहते कभी भी जाति का भेद नहीं करते, और हमेशा जो है सबसे एकता से रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। गुर्जर भरती उछड़े छाती त्या रहे गर्जी गुर्जर मात। जहां जहां गुजरातीज रहते हैं, अब गुजरातीज कैसे एकदम मेहनत करने वाले होते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, है ना। अब वैसे उनके बिहेवियर को देख के जो है गुजरातीज जो है हमेशा छाती चौड़ी हो जाए उनकी, वैसे वो रहते हैं। इसलिए गुर्जर गुजराती जहां पे भी रहे एकदम छाती चौड़ी करके रहते हैं अपनी, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, किसी के साथ भी अच्छे से बिहेव कर लेते हैं, सबसे प्रेम से रहते हैं और मेहनत करते हैं। इसलिए ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, त्या त्या सदाकाल गुजरात। कोई एक गुजराती बस रहा हो, वहां पूरा गुजराती बस रहा हो। अण कीदा करवाना कोड़े, अधूरा पूरा थाय। अब गुजराती जो है अपनी फैमिली में अगर उनकी बात करें, तो उनकी फैमिली में अगर कोई कुछ नहीं भी कह रहा हो ना, कोई चुप भी बैठा हो ना, वो बिना कहे भी उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। कोड़े यानी कि इच्छा, बिना कही, अण की था, कोई कुछ नहीं भी कह रहा हो ना, अपने परिवार वालों को इतना अच्छे से समझते हैं ना वो लोग कि बिना कही चीजों को भी पूरा कर देते हैं गुजराती। स्नेह शौर्य ने सत्य तणा ऊण वैभव रास रचाए। स्नेह शौर्य यानी कि प्यार से रहते हैं, बहादुरी है एक उनमें, और हमेशा सत्य बोलते हैं, और तना उर वैभव रास रचाए। अब उनका जो हृदय है वो हमेशा मस्ती खोर रहता है, एकदम अपनी मस्ती में रहते हैं और एकदम मौज मस्ती से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, हमेशा दिल खोल कर जीते हैं, वैसे होते हैं गुजराती। प्यार भी उतना ही है उनमें, लोगों को प्यार देते हैं, बहादुरी भी इतनी ही है, और हमेशा सत्य भी बोलते हैं। उर वैभव रास रचो यानी कि
अपनी ही मस्ती में हमेशा रहते हैं। इसलिए जय जय जन्म सफर गुजराती। अब जिसका जन्म गुजराती गुजराती की तरीके से ही हुआ हो, जन्म से ही गुजराती हो, उसका जन्म तो भाई सफर ही है। ऐसे हमारे कवि खबरदार कहते हैं कि जो जन्म से ही गुजराती हो उसका जन्म ही सफर है भाई। जय जय धन्य अडल गुजरात। धन्य अडल गुजरात, जहाँ गुजरात है ना वैसी भूमि भी धन्य है। जहाँ जहाँ वसे एक गुजराती, त्या त्या सदाकाल गुजरात। जहाँ जहाँ बस रहे हैं गुजराती, वो है सदाकाल गुजरात। वो एक गुजरात के बराबर ही है। अब इस कविता से हमने जाना कि गुजराती कैसे होते हैं, गुजरातियों का स्वभाव कैसा होता है ना। जहाँ हमने देखा कि गुजराती जो है बहुत मेहनत मेहनत करते हैं, प्रेम से रहते हैं सबसे, और अपनी मेहनत से ही वो गर्व से भी जीते हैं। और जहाँ एक गुजराती किसी भी देश के कोने में भी रह रहा हो ना, वो एक गुजरात ही बसा रहा हो उस देश में, उसी के समान है। और ये पोएम जो है यहाँ पे ही खत्म होती है। अब नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।